चलिए 37 में क्या है, विशा प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड टाइम फॉर अ रिएक्शन आर टू प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बहुत सिंपल है ये, बहुत बार हम लोग डायरेक्ट के टेस्ट में भी दे चुके हैं। ये देखिए, ये ग्राफ देख के कुछ याद आ रहा है? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है ग्राफ, ओके। यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ आर, और ये है टाइम। तो देखो आराम से बता सकते हैं आप लोग, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट्स, द स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट्स रेट कांस्टेंट के। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सारा आपको कॉपी में ही दिख जाएगा। उसके बाद है, चलिए इसी का बी नंबर में कह रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 25 मिनट फॉर 25% डीकंपोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। क्या हो जाएगा, पहले हम लोग के कैलकुलेट कर लेंगे, के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब इससे कितना सारा हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं, 2 पॉइंट, और ये सिंपली क्वेश्चन दे दिया आपको टी 25% लॉग 100 बाय 75, क्योंकि एक्स कितना हो जाएगा 25, हाँ, और ये 25 मिनट दिया भी तो है, गिवन है 25 मिनट। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4/3 क्या आ जाएगा, 2.303 बाय 25 इंटू लॉग 4 माइनस लॉग 3। एक स्टेप और अगर हम लोग चले तो 2.303 बाय 25 लॉग 4 का वैल्यू 0.6020 माइनस 0.4771, ये आपको आ गया k, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे सिंस k इज इक्वल टू 2.303 बाय 0.3010 बाय टी हाफ। इसको हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन और 1 और 2 से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो हम लोग को टी हाफ मिल जाएगा, है ना। सॉल्व कर लेना। इसके बाद, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में और का 37 का और में कह रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर, पूरा फुल एनसीईआरटी, कंप्लीटली एनसीईआरटी, के का वैल्यू दिया हुआ है 60 पर सेकेंड, है ना। अब क्या कर रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स के जगह क्या हो जाएगा, ए का 16th पार्ट, ए माइनस एक्स ही तो आपको दिया हुआ है, ए माइनस एक्स आपको कह रहा है कि ए का 16th हो जाए, तो ए बाई 16 लिखेंगे तो 16 ऊपर चला गया, ए से ए कैंसिल हो गया, टी हम लोग को निकालना है, टी को इधर ले आइए, 2.303 बाई के लॉग ये कैंसिल हो गया, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर, है ना। टी इज इक्वल टू 2.303 के जगह 60 पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड लॉग, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 log 4, और log 4 का वैल्यू 0.6020। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद बी नंबर में कह रहा है, राइट टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बहुत सारा है लेकिन मेन फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, है ना, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, रेडिएशन, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़े, दो फैक्टर लिखना है। राइट टू कंडीशंस फॉर द कोलिजंस टू बी इफेक्टिव कोलिजंस। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूल शुड हैव ए प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी पहला, एंड मॉलिक्यूल शुड कोलाइड इन प्रॉपर डायरेक्शन। बहुत डीपली हम पढ़ाए ये सब चीज को, मॉलिक्यूल को
प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड कोलिजन होना चाहिए मॉलिक्यूल का, और सफिशियंट एनर्जी होना चाहिए जिससे कि प्रोडक्टिविटी हो, इफेक्टिव कोलिजन हो सके, टक्कर हो सके। तो ये था आपका सारा का सारा क्वेश्चन 2020 का सेट 3 का कोड 5623 का, है ना। इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके, ये सारा सेट जो हम लोग सॉल्व किए हैं 2020 का, उससे ये पता चलता है कि आपको एनसीईआरटी बुक को कितना डीपली पढ़ना पड़ता है। बहुत छोटा छोटा लाइन से आपको क्वेश्चन दिया जाता है जो टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है एक एक लाइन पढ़ाना। तो ये आपका जिम्मेदारी है कि घर पे पढ़िए और एनसीईआरटी बुक को डीपली फॉलो कीजिए। और हम हमेशा कहते हैं कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लेकर एनसीईआरटी का एक एक लाइन को स्टडी कीजिए, पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। चलो बाय।